सपोज दैट बिजनेस स्टार्ट करने से मेरे मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल्स आते हैं, बोलते हैं कि मेरा बिजनेस में इतना लॉस हो गया सर, ये हो गया वो गया, 6 करोड़ 5 करोड़ 2 करोड़ कंप्लीट आउट, बिजनेस से आउट, और उनको पता ही नहीं है कि ये मोड पे कैसे गए, अंधेरी में थे, अभी अंबरनाथ पहुंच गए और अभी भाड़ा घर पे। मैं किसी का नाम वगैरह यहाँ पे लेने नहीं चाहता हूँ। बड़ा बड़ा गाड़ी लेके घूमते हैं, वापस छोटा गाड़ी में आ जाते हैं, घर का बांधा, खाने का बांधा, सब कुछ अटक जाते हैं। और एक बात भी सही है कि 95% ऑफ बिजनेस जो स्टार्ट होता है, 95% बिजनेस फेल हो जाते हैं 3 साल में, राइट। बचा कुचा जो है अब आगे का 2 साल में हो जाता है, कोई बहुत 2-3% बिजनेस होगा जो जिंदा रह जाता है। ये कैसे होता है, ये कंप्लीट बिजनेस शेड हो जाता है सिर्फ एक ही, सेल्स नहीं होता है, इनकम नहीं आता है, उसकी वजह से शेड हो जाता है। बस इतना ही याद रखना है, हर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजिशन क्या होगा, ये इनके दिमाग में आता नहीं है। एक बार वो एंटरप्रेन्योर बन गया है, बिजनेस आता है तो छाती चौड़ा हो जाता है, बोलता है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं बाप हूँ और पूरा दुनिया मैं राज करूँगा, राइट। कोई एक छोटे से दो चीन शोरूम होगा, दुकान होगा, उसको लेके इतना बड़ा समझ लेते हैं अपने आप को। होंगे सही चलता होगा फाइन, बट लेकिन ये गवर्नमेंट में जाके कहीं पे अटक के मर गया तो खत्म हो जाएगा, राइट। सो आप अगर बिजनेस करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, ये मोड तक पहुँच के कल उठ के ये नहीं होना चाहिए कि मेरा लाइफ खत्म हो गया, बिजनेस पूरा, लोगों का पैसा डूब गया, यू नो, कई कोई ना कोई तो आपको पैसा दिया होगा, कुछ डूब गया, ये सब सिचुएशन में नहीं आना। मैं एक चीज़ बताता हूँ जिसके ऊपर आपको कैलकुलेट करके रिस्क लेना चाहिए, वो है हमेशा कोई भी बिजनेस से जाने पहले ये आपको सोचना है, सबसे वर्स्ट मेरा क्या हो सकता है, सबसे वर्स्ट मेरा क्या हो सकता है, अगर सबसे वर्स्ट ये हुआ तो मैं इसको कैसे बाहर आऊँगा। ये जो सिंगल पॉइंट है ना, ये बिजनेस करने वाले समझते नहीं है। बिजनेस करने वाले मतलब जो भी डूब गए हैं अभी तक, है ना, करोड़ों करोड़ों रुपये लेके डूब गए हैं, लेकिन एंड में वो खत्म हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, खुदकुशी करते हैं या फिर बैंक रेड हो जाते हैं, लोग इतना गालियां देते हैं उनको, मतलब ख़त्म हो जाते हैं वो। ये सिचुएशन कैसे होता है, क्योंकि उनको कभी उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया कि मेरा वर्स्ट पोजिशन क्या होगा, इसमें मुझे कैसे लेना चाहिए। जिंदगी होप में नहीं चलता है, मैं पॉजिटिव के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ पॉजिटिव में जिंदगी नहीं चलता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं है अनलेस एंटल आपके पास स्किल्स है, दिमाग है, आप कैलकुलेटर रिस्क लेते हो तभी वो होगा, इसके बिना कभी जिंदगी में ये सब चीज़ ऐसे नहीं होता है। सिंपल है, सबसे वर्स्ट मेरा क्या होगा, आपकी बिजनेस आप रन कर रहे हो लेकिन बीच में कहीं ना कहीं ऐसा पता चल रहा है कि बिजनेस अटक सकता है, राइट, यहाँ से पेमेंट नहीं आया तो, यहाँ से नहीं लिया तो, उधर से नहीं लिया तो क्या होगा। लेकिन सबसे वर्स्ट पास ये होना चाहिए कि कुछ भी हुआ मैं इसको बेचूंगा तो इतना मिलेगा, इसको बेचूंगा तो इतना मिलेगा, ये खत्म हुआ तो इतना हो जाएगा। एंड ऑफ द डे जिन्होंने भी मुझे, मेरा पैसा गया चलेगा, लेकिन जिनको भी मुझे पैसा देना है उनके पैसा मैं रिटर्न कर दूंगा तो मैं सेफ हूँ। तो इस तरह का आपके पास प्लानिंग है, बड़े आप करोड़ों करोड़ों का बिजनेस करो या फिर आप छोटा दुकान चालू करो, कुछ भी है, लेकिन ये मोड पे आप आ गए हो ना तो आपको बिजनेस करना चाहिए। अगर ये मोड आपका क्लियर है तो आपका फेलियर कभी नहीं होगा, फेलियर होगा तो भी आप जिंदा रहेंगे अगली बार वार करने के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक ही बिजनेस किया मर गया, उसके बाद जिंदगी में कभी बिजनेस किया, वो हालत में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने कुछ 25 बिजनेस किया है, अभी तक कोई बिजनेस जिंदा नहीं हुआ है, सब मर गया, लेकिन मैं बिजनेस करने के लिए छोड़ता नहीं, मेरे इन्वेस्टमेंट आज भी चालू है, मेरा बिजनेस आज भी चालू है, मैं छोड़ने वाला नहीं, लेकिन इतना सेफ रखता हूँ कि मैं जिंदा रहता हूँ कि अगली बार फाइट करने के लिए मेरे पास ताकत होना चाहिए, उसका रेडी रखता हूँ, बट पता नहीं मेरा कब तक चलेगा, 2-3 बिजनेस ठीक है, बाकी सब मेरा देखते हैं ये मेरा जिंदगी कब तक चले। जितना भी मारपीट हो जिंदा रहना जरूरी है, मार्केट में नाम होना जरूरी है, इमेज होना जरूरी है, इसके ऊपर आप अड़े रहिए। सब लोग यही चीज़ में चक्कर आके ख़त्म हो जाते हैं। अब मैंने बड़े बड़े अच्छे अच्छे बिजनेसमैन को डूबते हुए देखा है, तो प्लीज़ अगर ये मोड पे है इतना ध्यान रखिएगा वर्स्ट केस में क्या होगा, और वर्स्ट केस में संभालने के लिए आपके पास आंसर होना चाहिए,
आपके पास आंसर नहीं है, लोगों से पैसा ले रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, मजा कर रहे हो, बोलते हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, होप द बेस्ट, बी पॉजिटिव, पॉजिटिव बात करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, राइट? उसके लिए आपको स्किल जरूरत है, उसके लिए आपको स्ट्रैटेजी जरूरत है, मेंटोर जरूरत है, आपको कैसे उसकी उस सब सभी चीज़ के बिना आपका कुछ नहीं होगा. तो डोंट बिगेव ऑन दैट. अगर वर्स्ट केस का रिप्ले आपके पास है, गो अहेड. ओके, मुझे आगे बोलते हैं, सर मैं बिजनेस करना चाहता हूँ, आई एम वर्किंग नाउ. ओके, सो मैं बोला आपकी प्लानिंग क्या है? मतलब प्लानिंग कुछ नहीं है, सोच रहा हूँ अभी एक दो महीने में मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा तो मेरा घर चलेगा. मतलब बुलशिट नहीं होता है. पहली चीज़ आपको होना चाहिए कम से कम आपको 8 महीने से लेके 1 साल 2 साल का पैसा जो रेगुलर इनकम है उसको सेट करना चाहिए, जिससे आपकी जो स्टैंडर्ड लाइफ है उसके ऊपर कभी असर नहीं पड़े. पहला उसको सेट करो. आपको बिजनेस जमे नहीं जमे आपका घर चलना चाहिए, आपकी बाकी सब एक्टिविटी चलना चाहिए, ये हो गया अलग. ये या तो आपको दूसरा कोई इनकम ऐसा स्ट्रीम में होना चाहिए जो इसको टेक केयर कर सकते हैं, वन. नंबर टू, आप बिजनेस के लिए जो इन्वेस्टमेंट करते हो उसका भी फंड होना चाहिए, या फिर आप ऐसा बिजनेस करो जिसमें फंड की जरूरत नहीं है, लेकिन मेक श्योर कि वो करके आप देखो. क्योंकि यहाँ पे आप ट्राई कर रहे हो, आपका रेगुलर घर का खर्चा चल रहा है, तो ये बेस्ट सिचुएशन है. क्योंकि ये बिजनेस आया नहीं आया कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका घर चल रहा है, आपको जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो चल रहा है. ये सेटिंग क्लियर है, फिर आप बिजनेस के अंदर जाओ. ओके, फिर वो बिजनेस के अंदर आपको कैसे सेटिंग करना है, क्या करना है, उसमें रिस्क क्या, काम, मार्केटिंग, आपके मेंटोर, कोचिंग विचिंग, और कहाँ कहाँ से इसका आइडियाज़ लेना है, बिजनेस आइडियाज़ क्या लेना है, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, ये अलग स्टडीज़ हो गया. लेकिन ये बेसिक चीज़ ये है कि आपका एक साल डेढ़ साल तक आप सब कुछ सेट कर सकते हो, या ये इसको छोड़ के आप बाहर आ जाओगे वापस आप काम कर सकते हो क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने बहुत बार काम नौकरी छोड़ के आया है, बिजनेस स्टार्ट किया, लॉस हो गया, वापस जाके नौकरी किया, फिर वापस मैंने बिजनेस किया, लॉस किया वापस, लेकिन मेरा कहानी कभी खत्म नहीं होती है, राइट? इट इज जस्ट कीप ऑन गोइंग. सो दिस वीडियो इज फॉर वापस कोई और बैंक करप्ट, बहुत बड़ा लॉस, गाली गलौज, सुसाइड, बिजनेस में इतना बड़ा लॉस, ये सब चीज में मत जाइए. क्योंकि 6 करोड़ 10 करोड़ का डेप्ट हो गया, राइट? लेकिन है 3 करोड़, पूरा प्रॉपर्टी सब कुछ बेचा तो भी 3 करोड़, फिर 7 करोड़ कहाँ से देंगे आप? ठीक है, फिर आप इंसान नहीं बनोगे, मुर्दा क्या गधा बनना पड़ेगा, हर एक आके गाली देगा, पत्थर मारेगा, उल्टा सीधा बोलेगा, आपको डर डर के रहना पड़ेगा. ये जो चौड़ा लेके चलते थे कि आई एम बिजनेस मैन, ये सब फिर वो सब नीचे आ जाएगा. सो ये पॉलिसी को कभी मत भूलिए. बी वेरी थिंक व्हाट यू कैन डू इन योर वर्स्ट केस इन योर बिजनेस. थैंक यू.